सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका माय एग्जाम सॉल्यूशन की क्लासेस में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन वुमेन। देखिए दोस्तों, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसका मेजरली इम्पैक्ट जो है हमारी वुमेन कम्युनिटी पर पड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लीजिए या सिलेबस से रिलेटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी इससे डिमांड आ रही थी, जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि मैम इस पे वीडियो बनाओ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट। तो आज हम वुमेन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, अपना नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सो यू कैन राइट डाउन, ओके, सो यू कैन मेक नोट्स डायरेक्टली। तो अभी हम चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी शॉर्ट नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी और सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी टू अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी। सो यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या, आसान भाषा में समझिए तो ये एक तरीके का एक प्रोसेस था, ओके। प्रोसेस किस तरीके का था, एक तरह का ये क्या था, प्रोसेस था, है ना, जो कि किसी भी इकोनॉमी या सोसाइटी को क्या करता है, पूरा ट्रांसफॉर्म करता है। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है, एग्रीकल्चरल जैसे इकोनॉमी है अभी हमारी, स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो जब हमारी शुरुआत है तो फ्रॉम द हिस्ट्री जो बेसिकली ह्यूमंस हैं वो एग्रीकल्चर बेस पे डिपेंडेंट थे, यानी उनकी जो आमदनी है या उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो एग्रीकल्चर थी, यानी उनको खेती करनी है, जितनी ज़्यादा वो खेती करेंगे उतना ज़्यादा उनको आमदनी होगी। यानी जो ज़मींदार हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं, जिनके ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो ज़्यादा अमीर होंगे। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बन गया, यानी अब एग्रीकल्चर नहीं, यानी नहीं नहीं थोड़ा एग्रीकल्चर होगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है बेसिकली वो ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, हर एक चीज़ को कमर्शलाइज करना। अब यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। जो मशीन और फैक्ट्रीज आई उनके थ्रू आप बहुत अच्छे से लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो अपने प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप कर पाए। जैसे अगर उन्होंने कोई गेहूँ लिया, ठीक है, पहले क्या होता था, गेहूँ बिकता था, है ना। जब एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनी तो वही गेहूँ को कमर्शलाइज करके, जैसे अब फैक्ट्रियों में उसी गेहूँ को आटा पीस के और बोरियों में भर के, जो पैकेट वगैरह होते हैं, अपनी कंपनी का ब्रांड छाप के वो जो है आगे लोगों को सेल करना शुरू हो गया। तो बेसिकली आसान भाषा में समझो तो दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, सो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बिगेन इन लेट 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन। सो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, और यहीं से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड शुरू हो गया। इट मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन टू द मास प्रोडक्शन। तो इससे पहले क्या होता था, जैसे बहुत हैंडक्राफ्ट छोटे छोटे लोग जो होते थे, जो पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी के होते हैं, वो प्रोडक्शन करते थे। बट अब क्या हो गया, क्योंकि फैक्ट्रियां आ गई और मशीनरी आ गई तो ये मास स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। देन इसके अलावा द स्टीम इंजन फॉर एन एग्जांपल रिवोल्यूशनाइज द ट्रांसपोर्टेशन एंड अलाउड फैक्ट्रीज टू बी बिल्ड इन लोकेशंस दैट वर प्रीवियसली अनसुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ तो इससे ट्रांसपोर्टेशन को तो हेल्प मिली ही मिली, बट जो फैक्ट्रीज होती थी, है ना, जो फैक्ट्रीज अलग एक ही जगह पे जहाँ पे वो लोकेटेड हैं, जो लोग हैं जो चला रहे हैं वहीं वो खुल सकती थी।
अब क्या हो गया, जब स्टीम इंजन के आने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो गया है ना, और माल को भी भेजना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ तो हमने समझ लिया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था बेसिकली, लेकिन अब इसका वुमेन पे क्या इम्पैक्ट था वो समझ लेते हैं। सो बेसिकली वुमेन का क्या रोल रहा और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, तो इंक्रीज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द फैक्ट्रीज मिल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। इससे पहले जो वुमेन होती थी वो क्या होती थी, हाउस होल्ड वर्क करते थे, घर पे आ गया भाई कुछ बुनाई का, कढ़ाई का और जो भी हैंडक्राफ्टेड हैंड से रिलेटेड घर पे होते थे वर्क, वो वुमेन करती थी। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो यही काम वो फैक्ट्रियों में जाने लगी, एक तरीके से घर से बाहर वो स्टार्ट करने लगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज फैमिली डायनामिक्स। एज अ वुमेन बिगिन टू वर्क आउटसाइड ऑफ द होम, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स एंड डायनामिक्स शिफ्टेड। वुमेन हैज़ लेस टाइम टू डिवोट द हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ऑफन फेल्ड टू अदर फैमिली मेम्बर्स और हैड टू बी आउटसोर्स्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि अब भाई काम शुरू हो गया, बाहर वुमेन भी गई हैं, उनका जो बेसिकली ट्रेडिशनल फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया, डायनामिट हो गया, और उससे उनका जो पहले का काम था यानी जो पहले वो क्या करती थी, पूरे फुल टाइम में अपने चाइल्ड केयर करती थी और अपने हाउस के काम में बिल्कुल डिवोटी थी, उसके एडिशनल में वो कुछ काम करती थी, बट अब क्या हो गया, अगर वो बाहर जा रही हैं तो वो डिवोटीनेस कहाँ हो गया, वो फैक्ट्री के प्रति हो गया बिल्कुल। तो अभी वहाँ पे जहाँ पे पहले घर पे काम टाइम दे रही थी वो कम हो गया। देन इसके बाद है पुअर वर्किंग कंडीशन। मैनी इंडस्ट्रियल जॉब्स वर फिजिकली डिमांडिंग, डेंजरस एंड ऑफर्ड लो पे। वुमेन को यूजुअली क्या किया जाता था, डिमांडिंग, उनकी फिजिकली डिमांडिंग होती थी लोगों की जो है, मतलब उनको अब्यूजिंग करना, फिर ये एक डेंजरस जॉब हो गया था। इसके अलावा मेन के मुकाबले वुमेन को बहुत कम पे मिलता था, उतने ही वर्क पीरियड में और उतने ही काम में, वहाँ मेन के मुकाबले वुमेन को कम प्रायोरिटी भी मिलती थी। इसके अलावा वुमेन्स राइट एक्टिविज्म, the challenges faced by women in the industrial workforce led to the rise of women's right activism. Women began to demand better working condition, equal pay and the right to vote and participate full in the society. तो यहाँ पे वुमेन का एक rights जो हैं वो start हो गया, industrialization का जो बहुत बड़ा impact है वुमेन community पे। इसमें क्या हुआ कि वो अपने अधिकार के लिए जो उनकी condition है फॉर द इक्वालिटी और इक्वल पे, वो उन्होंने अपने रखी और उसके लिए काफ़ी बार उनको जो है जैसे आवाज़ उठानी पड़ी है ना, तो ये चीज़ हुई। इसके अलावा यहाँ पर इम्प्रूव्ड द टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विच इम्प्रूव द वुमेंस लाइफ। बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पर मशीनरीज हैं है ना, इंडस्ट्री में जा रही हैं, वो मशीनरीज हैं और उनको वो यूज़ करना आ रहा है, वो एक जो प्रोसेस है उनका पार्ट बन पा रही हैं है ना, तो उससे रिलेटेड वो जो चीज़ हैं वो सीख पा रही थी जो कि पहले नहीं कर पा रही थी है ना। पहले उनका जो वर्क फोर्स था वो घर से था, घर से जो उनको पहले से स्किल आती थी वही कर पाती थी, अगर नहीं आती कोई स्किल तो नहीं कर पाती। यहाँ पर यह है कि मशीन्स हैं भाई, मशीन तो जो है वो ऑटोमेटिकली चलाना जो है वो सिखाई जाती थी, फिर उसके बाद वो सीखती थी और वो करती थी। सो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, और दोस्तों अपने आगे दोस्तों से ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ऑल्सो आप जैसे कोई टॉपिक है आप बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।